देश में महंगाई का दौर जारी है, अब मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार भी महंगा हो सकता है। ताजमहल की विजिटिंग फीस को बढ़ाने के लिए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ADA ने सरकार को एक प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल को मंजूरी मिलने के साथ ही ताजमहल के हर एक गुंबद को देखने के लिए अलग कीमत चुकानी होगी। वर्तमान में ताजमहल में एंट्री के लिए भारतीय नागरिकों को ₹50 चुकाने होते हैं, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए एंट्री फीस ₹1,100 है। इनके अलावा शाहजहां और मुमताज की कब्र देखने और मुख्य गुंबद में जाने के लिए ₹200 अतिरिक्त चुकाने होते हैं। अब अगर ADA के प्रपोजल को योगी सरकार मंजूर करती है तो भारतीय सैलानियों के लिए ताज का दीदार ₹30 महंगा यानी अब सिर्फ एंट्री फीस ₹80 हो जाएगा, जबकि विदेशी सैलानियों को अब ₹100 अतिरिक्त ₹1,200 देने होंगे। प्रस्ताव में मुख्य गुंबद को देखने के लिए लगने वाली अतिरिक्त टिकट की कीमत को दोगुना कर दिया गया है, यानी अब ताजमहल के निर्माण कराने वाले मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्र को देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को ₹480 और विदेशी पर्यटकों को ₹1,600 देने होंगे। अगर योगी सरकार इस प्रपोजल को मंजूरी देती है तो नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 2 साल पहले भी ताजमहल समेत सभी स्मारक इमारतों के टिकट के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर नहीं किया था। ऐसा पर्यटन उद्यमियों के विरोध के मद्देनजर किया गया था। ये प्रस्ताव तब से ही लटका हुआ था, जिसे बीते मंगलवार को ADA बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिली। इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल में सैलानी कितना समय बिताते हैं, इस हिसाब से भी टिकट के दामों में बदलाव किया जा चुका है। पहले के नियमों के मुताबिक पर्यटक इमारत में सुबह से शाम तक घूम फिर सकते थे। हालांकि नए नियमों के लागू होने के बाद पर्यटक सिर्फ 3 घंटे का समय ही ताजमहल में बिता सकते हैं। इससे ज्यादा समय बिताने पर पर्यटकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता है। ताजमहल में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। सैलानी इन दरवाजों से 1 टोकन के जरिए ही प्रवेश कर सकते हैं। ये टोकन सिर्फ 3 घंटों के लिए मान्य है और इससे ज्यादा समय स्मारक में बिताने पर पर्यटकों को एग्जिट द्वार पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता है। आपको कितनी एडिशनल फी देनी होगी ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना अतिरिक्त समय ताजमहल में बिताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।